हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे करने जा रही हूँ बारात मेकअप लुक, और सबसे पहले इसके फेस पे लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर मेरे पास शीज ब्यूटी का है, इसको मैं अच्छे से ब्रश में लिया है मैंने और पूरे फेस पे ओपन पोर्स पे लगा दिया है ताकि ओपन पोर्स जितने भी हैं वो मिनिमाइज हो जाए। अच्छा, थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने यहाँ पे आइस की मदद से पहले यहाँ पे स्क्रबिंग की है, उसके बाद मैं यहाँ पर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्रेप किया है साथ फिर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। बॉटनेक्स का यहाँ पर मेरे पास कंसीलर है, इसको आंखों के ऊपर लगा रही हूँ। आंखों के ऊपर लगाने के बाद इसको टैपिंग करते हुए छोड़ देना है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मुराल की स्टिक है 31, और इसको मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमने नॉर्मल ब्लेंडिंग के साथ, ब्लेंडर पफ के साथ यहाँ पे ब्लेंड कर लेना है और पूरे फेस पे इक्वली इसको ब्लेंडिंग करते हुए छोड़ देना है। ठीक है, इसके ऊपर से मैं अप्लाई करूंगी यहाँ पे क्रिस्टीन का डर्मा एक्स है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की है। यहाँ पे क्रिस्टीन का डर्मा एक्स बेस है जिसको मैं ब्रश की मदद से फेस पे अप्लाई किया है, और इसके साथ ही मिक्सिंग किया है काशी का इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन। ठीक है, और उसका नंबर जो है मेरे पास 13 है, उसको मैंने फेस पे लगाया है, और लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ पूरे फेस पे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छे से करना है पूरे फेस पे। देखिए मैंने ब्लेंड किया है और बहुत अच्छा लुक निकल के सामने आया है, बेस बहुत प्यारा लग रहा था इसका। ठीक है, कंसीलर मैंने आंखों के ऊपर लगाया है। अब जो प्रोडक्ट इनफ प्रोडक्ट मेरे ब्यूटी ब्लेंडर में है उसी से मैंने उसको उसके ऊपर भी कवर अप किया है। देन यहाँ पर हम लॉक करेंगे। लॉक जो है वो मैं कर रही हूँ क्रिस्टीन के ऑयल फ्री प्रो फेस से। ठीक है, ये केक फाउंडेशन बेस है और बहुत ही ज़बरदस्त है, लॉक कर देता है आपके फेस को बहुत अच्छे से। अच्छा, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर लूज पाउडर जो लगाया है, या कॉम्पैक्ट लगाना है या लूज पाउडर जो भी आप के पास पॉसिबल हो आप लगा सकते हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने फिक्सिंग करना है ताकि आपका फाउंडेशन जो है बहुत अच्छा बैठ जाए। क्रिस्टीन के कंट्रोलिंग पैलेट से यहाँ मैं कंट्रोल कर रही हूँ, और कंट्रोलिंग जो है इनकी जो फीचर्स है ना, ये इनका जो नक्श है वो उसको निभाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, और इनका माशाल्लाह से नक्श भी प्यारा था तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग की नीड नहीं थी। जब कंट्रोलिंग की नीड आपको दिखाई दे कि हाँ बहुत ज़्यादा हेवी फेस है या डबल चिंक है और कंट्रोलिंग की नीड ज़्यादा है तो आप कंट्रोल अच्छे से करें, लेकिन अगर फीचर्स अच्छे हैं तो फिर आपको कंट्रोल भी नॉर्मल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग ना करें। ठीक है, कंट्रोलिंग भी मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है और जितने भी एक्स्ट्रा पाउडर थे उसको डस्ट ऑफ कर दिया है। जो चीज़ें समझ में ना आए वो आप पूछ लिया करें, और साथ ही साथ जो यहाँ पे फोटो सेक्शन भी कर रही है मेरी बेटी, वाह वाह वाह। चलो चले, बी क्यूट का यहाँ पर ब्लश ऑन है। बी क्यूट का ब्लश ऑन जो है वो लाइट ब्राउन शेड पे, और उसको मैं अच्छा सा अच्छे से मैंने लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे काशीज का हाइलाइटर ब्लश ऑन है, उसको मैं यहाँ पे चिक पे और नोज पे लगा रही हूँ ताकि शाइनिंग सा जो है खूबसूरत सा बेस बन जाए। अच्छा, काशी का जो हाइलाइटर ब्लश ऑन पैलेट है ना, इंतहाई का खूबसूरत है। आपका बेस इतना हसीन लगने लगता है इसको लगाने के बाद कि आउटस्टैंडिंग। में हर दफ़ा इसको यूज़ करती हूँ। आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पे क्रिस्टीन का ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ, वाटर कलर। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से वाटर के साथ इसको लिया है प्रोडक्ट को, और इनफ प्रोडक्ट लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। उसको अच्छे तरीके से मैंने इनके आईब्रोज बनाए, आईब्रोज जो है जो इनके अपने आईब्रोज थे ना उस पर बनाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा मैंने फैला के नहीं बनाया है। सिल्वर गोल्ड कलर का हाइलाइटर है और काशीज का है, उसको मैं इनके ब्राउज एरिया को यहाँ पे पॉमिनेंट कर रही हूँ। अच्छा, मेरा जो घर है ना वो थोड़ा रोड के करीब है, और बहुत ज़्यादा बाहर से आवाज़ें आती हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, और जो चीज़ें समझा रही हूँ बता रही हूँ ना उसको समझ लें। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जब कोई बंदा काम कर रहा होता है ना, कभी बच्चे आके तंग करते हैं, कभी बाहर से कोई गाड़ी की आवाज़ आ रही होती है, मतलब डिस्टर्ब, इतना डिस्टर्बेंस है कि डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उसको बार 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 जो है वॉइस करते रहो, ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। अच्छा, आंखों के ऊपर जो है यहाँ पे एक पैलेट है मेरे पास, कैरलिन का पैलेट है, उसके अंदर आप देखें ये जो कलर शेड है ना, ये कलर शेड बहुत खूबसूरत है। इससे मैंने इनके क्रीज लाइन बनाए हैं, जिसका डार्क ब्राउन शेड है उससे क्रीज लाइन बनाया है, और थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो डार्कर शेड है ना ब्राउन का, उसको कॉर्नर, आंखों के कॉर्नर पे जो है वो अच्छी तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्लेंडिंग कर दिया है। इसी के अंदर पैलेट के अंदर ये गोल्डन शेड है, मैंने कहा इसकी पिगमेंटेशन जो है ना वो बहुत हसीन है, बहुत प्यारी इसकी पिगमेंटेशन है। बीच में मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन शायद वीडियो स्किप हो गई है मुझसे,
ये जो है ड्रीम है, सॉरी कैलिना ड्रीमी का ये आई शेडो पैलेट है, ठीक है। और इसके इसके जो हमारा बाउल एरिया है आई का, तो वहाँ पर मैं लगा रही हूँ गोल्डन शेड। गोल्डन शेड जो है वो अच्छे से लगाने के बाद इसके अंदर जो सिल्वर शेड है ना, उसको मैंने आई डक पे लगाया है। आई डक पे लगाने के बाद फिंगर से मैंने सारे कलर्स को अच्छे तरीके से मिक्स वेल कर दिया है, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग कर दी है। ब्लेंडिंग करने के बाद अब यहाँ पे मैं जो लगा रही हूँ ना, ये है हमारा आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा मेरा मुझे, लेकिन ये बिल्कुल बस सिर्फ आपने इसको इनफ लेना है और फौरन अप्लाई कर देना है। ये ग्लिटर है, ठीक है, आई शेडो ग्लिटर है। और इसका आई डोंट नो, एक मिनट, इसका नंबर है 107 और ये फेस इट का है, ठीक है, फेस इट का मेटालियन ग्लिटर आई शेडो है। साथ साथ मैं यहाँ बैठी हूँ निकाल के आप लोगों के लिए ना, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए वहीं बैठना होता है जहाँ से मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। उसके ऊपर जो मैंने ग्लिटर यूज़ किया है, थोड़ा सा वो लिक्विड फॉर्म में था, उसको मैंने अप्लाई किया। उसके ऊपर डबल शेड देने के लिए जो ऊपर वाला ग्लिटर यूज़ किया है, वो मैंने काशीज का गोल्डन शेड यूज़ किया है, ठीक है, काशीज का गोल्डन शेड कलर का ग्लिटर है वो यूज़ किया है। अब यहाँ पे लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लाइनर जो है वो बिक्यूट का है, एज यूजुअल जो मैं यूज़ करती हूँ उसको पहले आंखों के अंदर मैं अच्छे से लगा रही हूँ। पूरी आंख पे आपने अच्छे से लगाना है। और इसका देखें आप, ये जट ब्लैक कलर है, जट ब्लैक कलर बहुत हसीन लगता है ये। अगर ये ड्राई ना हुआ हुआ हो ना तो ये बहुत हसीन लगता है, लेकिन ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इसका सोल्यूशन भी मुझे निकालना पड़ेगा, या अगर किसी को सोल्यूशन पता है ना कि जब आईलाइनर वगैरह ड्राई हो जाते हैं उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए, तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। उफ अल्लाह, एक वॉइस रिकॉर्डिंग करना इतना अजाब हो जाता है ना कि कोई याद नहीं। आज तो मैंने ठान लिया कि आज के आज ही ये वीडियो जो है ना मैं वॉइस भी करूँगी और इसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेकंड डे इसको अपलोड भी करूँगी, क्योंकि मेरी वीडियो ना हमेशा रह जाती है और कहीं ना कहीं फिर इधर उधर हो जाती है। मैं कभी इसको यूट्यूब में फिर डाल ही नहीं पाती हूँ। चला टिकटॉक में इधर उधर तो वीडियो बनती है, वो डायरेक्टली डायरेक्ट जो है वो सेंड हो जाती है, मगर यूट्यूब में जो है ना वॉइस ओवर करके उसको एडिटिंग करके आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा के बता के वीडियो अपलोड करनी होती है, और वो हमेशा मुझसे वीडियो लेना इधर उधर स्किप हो जाती है या कभी डिलीट हो जाती है। अच्छा, लाइनर देखें, मैंने ना इसके ऊपर अपर लैश लाइन पे ये लाइनर बिल्कुल अच्छे से लगा लिया है, ठीक है, और कॉर्नर मैंने नहीं निकाला है, बाहर ज़्यादा मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाला, जो इसके अपने आंखों का कॉर्नर है ना बस वहाँ तक मैंने लाइनर अप्लाई किया है और उसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। साथ में बॉब का मस्कारा है, वो बॉब का मस्कारा मैंने यूज़ किया है, और बॉब का मस्कारा जो है वो काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और वो बिल्कुल भी जो है ना फैलता नहीं है, सही। और लैशेज़ यहाँ पे गम यूज़ किया था मैंने शेफ़र का, और शेफ़र का गम यूज़ करने के बाद मैंने उसको अप्लाई किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यूज़ का दे रही हूँ, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। या तो क्रिस्टीन या तो एसटी ऑफ लंदन, एसटी का आप गम ले लें, एलेशेज गम, या फिर क्रिस्टीन का ले लें, दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से ना लैशेज स्टफ हो जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं निकलते कहीं से भी। लेकिन यहाँ पे जो यूज़ किया मैंने वो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो, तो वो मैंने यहाँ पे ग्लू लगा के रखा है। और साथ में नीचे अप्लाई कर रही हूँ काशीज का डार्क कलर शेड है, उसको जो हमारा लोअर लैश लाइन है वहाँ पे मैं अच्छे तरीके से लगा रही हूँ। हम आपने लैशेस को ना फ़ौरन से गम लगाकर और फ़ौरन से आंखों पे अप्लाई नहीं कर देना, क्योंकि जब आप लैशेस फ़ौरन गम लगा के अप्लाई करते हो ना तो वो लैशेस एक तो बैठता नहीं है, दूसरे आंखों से पानी बहुत आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आई शेडो पैलेट है वो भी काशी का है, और उसमें से मैंने ब्लैक शेड लिया है और ब्लैक शेड को ब्राउन शेड के साथ ही यहाँ पे अप्लाई किया है। अच्छा, उसके बराबर में जो एक देखें ब्राउन शेड है वो मेरा तकरीबन ख़त्म हो गया, उसके आगे भी जो लाइट ब्राउन शेड है वो भी तकरीबन ख़त्म हो गया, तो ये शेडोज जो हैं वो अलग अलग मैंने दोबारा से परचेज किए हैं और उसी शेड से ही मैं लगा रही होती हूँ, ठीक है, ब्राउन शेड या लाइट ब्राउन शेड उसी से लग रहे होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अब लैशेस अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हमारे लैशेस को गम लगे हुए तकरीबन 30 सेकंड हो चुके हैं, ठीक है, 30 सेकंड हमने गम लगा के उसको छोड़ा है और अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। जो लाइनर ब्रश है ना आपको, उसी से आप यहाँ पे उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दें, और कोई और अगर आप फिंगर से करते हैं या आपके हाथों में शेड लगा होता है ना, वो ब्लैक के ऊपर बिल्कुल कलर नज़र आने लगता है, वो बहुत ही बुरा लग रहा होता है, फिर उसको बार 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 सही करते रहो, सही है। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है लैशेस, और लैशेस अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे डक के पास कॉर्नर बना रही हूँ, जो हमारा इनर कॉर्नर है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं निकाला मैंने, बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ऊपर की तरफ जो लाइनर हमारी जा रही है, और एक नीचे की तरफ जो आंखों के अंदर हमारी लाइनर जा रही है वहाँ से,
मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया और करने के बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। आंखों के अंदर मैंने आज यहाँ पे ब्लैक यूज़ किया है, ना वाइट टोन यूज़ किया है, ना यहाँ पे वो ब्लू वाला लगाया है, कुछ भी यहाँ पे नहीं लगाया। आज यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का लगाया है क्योंकि ब्लैक कलर के का जो काजल है ना मैं आजकल अभी यूज़ नहीं किया, तो मैंने कहा आज ब्राइट के ऊपर यही यूज़ करते हैं। काशी का हाइलाइटर है, सिल्वर गोल्ड हाइलाइटर है, जिसका व्हाइट हाइलाइटर है ना वो थोड़ा सा व्हाइट कलरेशन पे ही अच्छा लगता है, अगर ऐसे आप लगाओ ना तो वो थोड़ा सा ब्लैकनेस सा दिखाई देने लगता है। लेकिन इनका जो सिल्वर और गोल्ड वाला हाइलाइटर है ना जो डबल शेड पे है वो बहुत खूबसूरत है, वो दोनों शेड पे चला जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, अच्छे तरीके से थोड़ा भर भर के मैंने यहाँ पर लाइटर यूज़ किया है। आज हाइलाइटर जो है ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे पोमिनेंट कर रही हूँ, थोड़ा सा दिखा ताकि आपको दिखे कि हाइलाइटर लगा है, तो इसका जो टेक्सचर है वो कैसा है। अच्छा, लिपस्टिक जो है लिप ग्लॉस जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, डार्क ब्राउन कलर का, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। अच्छा, इनके जो होंठ है ना वो बहुत ही बारीक से छोटे से क्यूट से हैं, तो उसको थोड़ा सा हमने पोमिनेंट करना है। पहले तो मैं इसके अपने जो होंठ है ना उसको उस पर लगाया है मैंने, और फिर उसके ऊपर से मैंने दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करी है, और फिर उसी इसके जो लिप का शेप था ना उसी को थोड़ा सा बढ़ाया है। ठीक है, अच्छे तरीके से लगा दिया है, और ये आप देखिए हमारा फाइनल लुक आपके सामने आ गया। और इसके होंठों के ऊपर जो है वो मैं अच्छे तरीके से एक शेड लगा रही हूँ, और वो जो है आई शेडो पैलेट में से एक शेड उठा के लगाना ताकि आपका जो लिप ग्लॉस है ना वो अच्छे तरीके से स्टर्व हो जाए और आपका लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, नथ की वजह से आपका लिपस्टिक जो है वो ख़राब भी ना हो। ये फाइनल लुक हो गया है, और अब हेयर डो के बाद भी इनका लुक दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर्स विदाउट फिल्टर आपके सामने है। ठीक है, एक फ़िल्टर के साथ भी हम मेरी बहुत सारे पिक्स हैं जो मैंने और भी जगहों पर शेयर किया है, लेकिन ये विदाउट फिल्टर है। थैंक यू सो मच।